गुड इवनिंग प्यारे साथियों, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जल्दी से लाइव आ जाएं, सभी वीडियो को शेयर कर दें एक बार सभी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर जुड़ते जा रहे हैं सभी स्टूडेंट, तो सभी फ्रेंड्स यहां पर एक बार लाइव आएंगे। जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाएं सभी, वीडियो को शेयर करें। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी यहां पर जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दें, जो भी स्टूडेंट यहां पर जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, देख भी पा रहे हो, सभी फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर जुड़ चुके हैं स्टूडेंट यहां पर। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे एक बार। जय हिंद साथियों, सभी वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। आवाज आ रही है क्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। मनीष, अंजलि, अनिल, ब्रजेश, अनिल अनुगुप्ता, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ प्यारे साथियों, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ जाएं। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर भी आने लगा है, जैसा कि हाई अनु, कुमारी, ब्रजेश, शुभम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, सभी कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन कर रहे हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट, तो बिल्कुल जितने भी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ब्रजेश, अनु, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सुरेंद्र जी बिल्कुल, ब्रजेश कुमार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को शेयर करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, सभी कमेंट करेंगे। ब्रजेश, सुरेंद्र, सचिन, मनीषा, अनु, तो फ्रेंड्स यहां पर जैसा कि देख पा रहा हूं सेकंड का राइट आंसर आने लगा है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहां पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर बोल रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुलर झील, बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, बुलर झील, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाएगी, सभी कमेंट करेंगे। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, थर्ड का राइट आंसर बताएंगे सभी यहाँ पर, हरी, मनीषा, अतुल, तो फ्रेंड ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स कर रहे हैं भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली, थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ थर्डों का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ये आ रहा है, रेड क्लिफ रेखा, ये ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ का सभी आंसर करेंगे, तो फोर्थ का यहाँ पर सभी राइट आंसर करेंगे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, सभी कमेंट करेंगे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी साथी। फोर्थ का राइट आंसर कुलदीप कुमार, ए ए, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ए कर रहे हैं, कुछ बी बी बी, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का ए राइट आंसर आ रहा है, कुछ स्टूडेंट बी कर रहे हैं,
और कुछ यहाँ पर डी भी कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर डी कर रहे हैं, फोर्थ का आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है फोर्थ का? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सभी कमेंट करेंगे। ब्रिजेश, अजीत, अनु, तरन, दानिश, उपेंद्र, सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पश्चिम बंगाल कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप सभी का। भारत का पश्चिम सबसे बड़ा चावल बंगाल से उत्पादक हमें राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सभी कमेंट करेंगे सिक्स का राइट आंसर। सुनीता, उपेंद्र, अनु, सुधीर, आकाश, ब्रजेश, तो सभी का यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है। सिक्स का राइट आंसर बताएंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? डी 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 कुछ सी कर रहे हैं यहाँ पर। राम केवल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी का राइट आंसर है। सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेवन का राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? सेवन का राइट आंसर करेंगे सभी। सुनीता, सुमन, सुरेश, श्री, सरकारी, अनु, राहुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट का सी सी सी, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर बी किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताएंगे। सभी कमेंट करेंगे विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। वीडियो को एक बार सभी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट करें विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, ज्यादातर ए ऑप्शन कर रहे हैं। देव कुमार, ए सिक्स का ए, कुछ स्टूडेंट एट एट का मैक्सिको मैक्सिको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिको हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सॉरी, उत्पादक, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नाइन का राइट आंसर बताएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी कमेंट करेंगे। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितेश, अनु, राम केवल, कुलदीप, सुधीर, सुरेश, सभी का राइट आंसर है यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, मैक्सिको को आठ का बिल्कुल राइट आंसर दिया है, जिन्होंने भी दिया है सभी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी? तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल सही कर रहे हैं, 11 जुलाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। टेंथ आपके सामने है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? सभी कमेंट करेंगे। एक बार सभी वीडियो को शेयर करेंगे प्यारे साथियों। जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वो इस वीडियो को शेयर कर दें। कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं बी बी बी, कुछ ए भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, टेंथ का राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर अजीत, अजय, नितेश, आर एस डी, सचिन, बी 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 बी, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट का बी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। श्याम के नाम से किसे जाना जाता है? थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
11 का राइट आंसर बताएंगे सभी यहाँ पर। किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 11 का राइट आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर। थाईलैंड बिल्कुल सही था पिछले वाले क्वेश्चन का। सुधीर, अजय, कुलदीप, दानिश, किस देश के राजा ने अपनी बॉडीगार्ड से शादी की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 का। नितेश, राजवर, हाय हाय, अजय, बिल्कुल यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं, थाईलैंड सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। यहाँ पर थाईलैंड ज़्यादातर स्टूडेंट ने किया है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 का राइट आंसर करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट किस देश में स्थित है? 12 का राइट आंसर करेंगे सभी। 12 का राइट आंसर, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट 12 का राइट आंसर, ज़्यादातर ए, कुछ भी स्टूडेंट यहाँ पर सी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, 12 का जो राइट आंसर है यहाँ पर, ज़्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं सी, तो अमेरिका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 का राइट आंसर करेंगे सभी यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? रजत, अजय, राम केवल, आशीष, अक्षय, अंजलि, रामकुमार, चिराग, वीरेंद्र, अनु, ब्रजेश, इंद्रजीत, अंजलि, नितेश। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। 13 का करेंगे सभी, 13 का, तो यहाँ पर ए, ज़्यादातर ऑप्शन ए आ रहा है, रजत पटेल का यहाँ पर ए भी आ रहा है, तो यहाँ पर छठ हो जाएगा। किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो छठ, छठ जो पूजा होती है उसमें सूर्य की पूजा की जाती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर ए किया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? सभी क्वेश्चन करेंगे। 14 का राइट आंसर, रजत, अजीत, चिराग, अंजलि, दानिश, इंद्रजीत। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 का राइट आंसर करेंगे सभी, ईडीपी क्या है? सभी कमेंट करेंगे। सुरेश, रजत पटेल, नितेश, अनु, ब्रजेश, रोहित, प्रमोद, अपूर्वा। बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है, ईडीपी क्या है, सभी कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव हैं वो एक बार वीडियो को सभी शेयर करें प्लीज़। 15 का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ज़्यादातर, डी डी, कुछ सी भी दे रहे हैं यहाँ पर, बी भी आ रहा है यहाँ पर, ज़्यादातर स्टूडेंट बी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर डी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 का राइट आंसर बताएंगे, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? संदीप, दानिश, अनु, सागर, प्रियंका, आरएसडी। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर है बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी ज़्यादातर राइट आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सूचना में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 का राइट आंसर करेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। 17 का राइट आंसर करेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है? जल्दी से कमेंट करें जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, ज़्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, चिराग, दानिश, कुलदीप, अंजलि, प्रमोद, ज़्यादातर ए आ रहा है यहाँ पर, सी, कुछ डी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ही। कैलाश जी बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर जैसा कि मैं देख, अवतल लेंस आ रहा है यहाँ पर, अवतल लेंस, तो बिल्कुल अवतल लेंस हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। एक बार जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दें प्यारे साथियों। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तेज आकार में, सॉरी, तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार है वो कैसे हो जाता है? बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर, तो 18 का ज़्यादातर यहाँ पर आने लगा है। प्रमोद, प्रीति, सुरेश, अजीत, नितेश, ऋषभ, अनु, अभिनव, तो ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पर। संदीप, बिल्कुल यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही है। तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार है वो क्या हो जाता है? छोटा, स्मॉल हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 का राइट आंसर करेंगे सभी। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं वो एक बार वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दें प्यारे साथियों। स्टेवो, सागर, दीपक, ऋषभ, नितेश, RSD, कंचन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार वीडियो को शेयर करेंगे सभी जिससे और स्टूडेंट जुड़ सकें। उपेंद्र, इंदर, रोहित, सुनीता, सुरेश, तो यहाँ पर सभी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं 19 का आंसर डी डी डी, कुछ स्टूडेंट बी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आर्गन। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी साथी। 19 का राइट आंसर बताएंगे, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का राइट आंसर बताएंगे डी। ओ, 19 का बिल्कुल डी दे दिया है यहाँ पर बहुत ही जल्दी, बी बी इंद्रजीत। तो राइट आंसर यहाँ पर ज़्यादातर 19 का आने लगा है, रोजर बैकन भी आ रहा है यहाँ पर, आर्गन। 19 का राइट आंसर बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये है 20, 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका आंसर करेंगे सभी, बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो ज़्यादातर कुलदीप यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का आ रहा है ए ऑप्शन, रोजर बैकन, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। 21 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर सभी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, सभी कमेंट करेंगे एक बार। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, सभी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आ रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट का। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, नितेश, सूर्य, रोहित, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? निर्वात में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर डी कर रहे हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? 22 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर राकेश, अंजलि, दानिश, सागर, अभिनव, अरविंद, इंद्रजीत, स्टेवो, ऋषभ, प्रीति, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। निम्नलिखित कौन ने आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? तो यहाँ पर ज़्यादातर आपका जो राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट राइट कर रहे हैं, तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? शहनवाज खान, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ए क्या है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 13 का, सॉरी यहाँ पर 23 का राइट आंसर बताएंगे सभी। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पर सी 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 कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे साथियों। 24 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर
भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? 24 का राइट आंसर करेंगे अजीत, वीरेंद्र, सूर्या, नरेंद्र, ब्रजेश, अरविंद, अंजलि। सभी ज़्यादातर राइट आंसर कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO MTS की परीक्षा के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स PDF मैंने टेलीग्राम लिंक पर डाल दिए हैं, पिछली जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बताएंगे यहाँ पर उपेंद्र, राकेश, ब्रजेश, सूर्य, स्टेनवो, जे रहमान, सागर, नितेश, ब्रजेश, इंद्रजीत, कंचन। तो जित सभी का यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? इंदिरा गांधी का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 का राइट आंसर करेंगे बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी, जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आयात निर्यात बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बिल्कुल बंद, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर डी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? सभी कमेंट करेंगे एक बार। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट राकेश, इंद्रजीत, नीतीश, मुन्ना, ऋषभ, हरेश, प्रमोद, अंजलि, सागर, कंचन। बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जितने भी स्टूडेंट ने पूजी किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28वां क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नील क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली जो क्रांति है उसका संबंध निम्न में से किससे है? सभी कमेंट करेंगे, और जिन्होंने प्यारे साथियों अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है वो एक बार सभी शेयर कर दें। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? सभी कमेंट करेंगे। 28 का राइट आंसर जितने भी ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ए ए ए ऑप्शन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 आपके सामने है। मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तु, मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी कमेंट करेंगे। 29 का राइट आंसर RS, अजीत, विनोद, सागर, कुलदीप, हिमानी, प्रीति, रोहित, राकेश, अनु, दानिश। सभी का राइट आंसर यहाँ पर महंगी हो जाएगी, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। मुद्रा स्फीति से बाजार की वस्तु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? महंगी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 आपके सामने है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? 13 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर अरविंद, स्टेनवो, प्रमोद, अनु, अंजलि, रहमान, ठाकुर, प्रियंका, अनु, विकास, रोहित। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, प्रियंका, दानिश, ब्रजेश, सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने भी डी ऑप्शन बताया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? 31 का राइट आंसर ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है?
तो यहाँ पर सभी राइट आंसर कर रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। राकेश, जाकिर, रोहित, प्रीति, अनु, 31 का राइट आंसर है यहाँ पर डी सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। यकृत यानी कि लीवर, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 32, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सभी कमेंट करेंगे संडे क्लास, आज सैटरडे है, सैटरडे की क्लास में भी आज काफ़ी कम स्टूडेंट रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सभी कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? 33 का राइट आंसर करेंगे प्रमोद, सुधीर, दानिश, आरएस, सौरभ, विकास, अपूर्वा, अंजलि, राकेश, सभी ज़्यादातर यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं। अरविंद, अजय, प्रीति, बिल्कुल सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सभी। 34 का राइट आंसर करेंगे मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? सभी कमेंट करेंगे। 34 का राइट आंसर यहाँ पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो यहाँ पर ए प्रवेश, बैजनाथ, कुलदीप ठाकुर, अनु, अंजलि, आरएस, सचिन, अपूर्वा, राकेश, अजय, नरेंद्र, विनोद, ऋषभ, सागर। तो सभी ज़्यादातर राइट आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? अजय, प्रवास, कुमार, जाकिर, अंजलि, अपूर्वा, प्रमोद, अंजलि, दानिश, सागर, प्रियंका। बिल्कुल सही है यहाँ पर, आप सभी का ज़्यादातर स्टूडेंट कहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की है? ज़्यादा कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ए बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ए कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, हिरण की। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? वो है आपका हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 36, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तरुण, अनु, नरेंद्र, अंजलि, प्रियंका, सागर, दानिश, प्रवास, जाकिर, रोहित, आरएसडी। बिल्कुल ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वेरी नाइस चैंपियंस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? 37 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर सभी, चिराग, जाकिर, सुनील, प्रीति। तो यहाँ पर सभी ज़्यादातर राइट आंसर कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 38, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सभी यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, अंजलि हो गया, जाकिर, रोहित, ऋषभ, अजय, अनु, नरेंद्र, राकेश, प्रीति। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं, जीतेंद्र, अनिल, वीरेंद्र। बिल्कुल सही है आप सभी का यहाँ पर। 1919 ये घटना कहाँ हुई थी? अमृतसर में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 39 आपके सामने है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का राइट आंसर करेंगे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर ज़्यादातर अनु, यादव, प्रीति, चिराग, प्रभास, सुनील, अनु, अजय, वीरेंद्र, सभी का यहाँ पर राइट आंसर है।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, सोने के शाब्दिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्टी का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे, खुजराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खुजराहो स्पीड से, बिल्कुल स्पीड, यहाँ पर खुजराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर जो राज स्टूडेंट ज़्यादातर आर एस, जाकिर, अनु, यादव, सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, चंदेल के राजपूत राजाओं ने। खुजराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 41 का राइट आंसर बताएंगे, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोदी वंश का 41 लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? अनु, जाकिर, प्रमोद, स्वीति, राकेश, सुधीर, प्रियंका, विकास, दानिश, अनु, अनिल। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वाधिक शासक कौन था? शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्टी टू का राइट आंसर करेंगे सभी यहाँ पर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? 42 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, सभी कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट रोहित, जाकिर, अनु, वीरेंद्र, सागर, प्रमोद, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, कुलदीप, स्वीटी, अंजलि, नरेंद्र, बगरिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा यहाँ पर। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फोर्टी थ्री बताएंगे यहाँ पर, 43 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है? अरविंद, लोकेश, प्रीति, दानिश, अनिल। तो यहाँ पर पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बी 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 बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फास्फोरस की बात हो रही है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सी भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित कहाँ पर रखा जाता है? जल में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सोने 44 क्वेश्चन है आपके सामने। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे। सोना को कठोर बनाने के लिए, यानी कि सोना जो होता है आपका, उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? प्रियंका, लोकेश, प्रेम, राकेश, अरविंद, स्टेवो, नेंक, प्रीति, विक्की, बगरिया, राकेश, स्वीटी, प्रेम। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर जिन्होंने भी यहाँ पर डी किया है बिल्कुल सही है, ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 45 की तरफ। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? सभी कमेंट करेंगे। 45 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर, ठाकुर कुलदीप, जाकिर आर एस, प्रमोद, ज्ञानेंद्र, ब्रजेश, जाकिर अपूर्वा, सोनी, स्वीटी, दानिश। तो एजुकेशन, यहाँ पर सभी ज़्यादातर स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है वो बिल्कुल सही है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 आपके सामने है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 46 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर 46 का राइट आंसर करेंगे जल्दी से। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं,
46 का जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी बी ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बी बता रहे हैं, कुछ सी सी भी आ रहा है यहाँ पर। 46 का जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रवास, प्रवेश, ऋषि, अनु, ब्रजेश, विकास, स्वीटी, यादव, प्रियंका, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बी बता रहे हैं। 8, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8, बिल्कुल सही है, आप सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? 47 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर कुलदीप, राकेश, आर एस, सौरभ, यादव, अरविंद, स्वीटी, प्रीति, तरन, प्रियंका, प्रेम, स्टेनवो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन, जिन्होंने भी बताया यहाँ पर किस विज्ञान वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो यहाँ पर 47 का जॉन डाल्टन हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने कितनी कर दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 का राइट आंसर देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट यहाँ पर राइट कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजों की जो संख्या है वो 30 से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने कितनी कर दी है? रितेश बगरिया, सुसानी, साहिल, नरेंद्र, प्रेम, सुनील, स्वीटी। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट का राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर कितना आ रहा है, 30। चीफ जस्टिस के अलावा कितनी कर दी है, 30 से बढ़ाकर केंद्र सरकार ने, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है, 33 कर दी है, 33 यहाँ पर बिल्कुल सही है। साहिल बिल्कुल सही है आप सभी का यहाँ पर, कुछ यहाँ पर 32 भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड जिन्होंने भी यहाँ पर 33 बताया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 49 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पर सभी। हाल ही में जारी सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले दुनिया के 20 प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 का राइट आंसर करेंगे। हाल ही में जारी सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले दुनिया के 20 प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? प्रधानमंत्रियों की बात हो रही है यहाँ पर, किसे मिला है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट 49 का मैं देख पा रहा हूँ बी बी, कुछ यहाँ पर बी कर रहे हैं, कुछ सी सी। तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 49 का बी सही है सर, बिल्कुल स्वीटी जी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर कर रहे हैं राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ली सियन लूंग, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? सिंगापुर के। ली सियन लूंग को दुनिया के 20 प्रधानमंत्री में पहला स्थान मिला है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ली सियन लूंग बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं तो इन्हें 16,10,000 वार्षिक डॉलर, अमरीकी डॉलर इनकी सैलरी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो बात कर रहे हैं वो हैं आपके राष्ट्रपति, और उनकी सैलरी कितनी है? यहाँ पर 4 लाख प्रति वर्ष डॉलर रखी गई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनको चौथा स्थान मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 में। निम्न में से कौन सा देश G20 की मेजबानी करने वाला अरब जगत का पहला देश बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट आएंगे। अंजलि, रोहित, जितेंद्र, जाकिर, स्वीटी, सुधीर, बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं। कौन सा देश है G20 की मेज़बानी करने वाला अरब जगत का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बी ऑप्शन बता रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर बी, कुछ सी भी कर रहे हैं यहाँ पर, 50 का सी सी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ नैंक यहाँ पर बता रहे हैं, 50 का ए, प्रियंका जी यहाँ पर ए बता रही हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट बी बता रहे हैं। तो फ्रेंड जिन्होंने भी यहाँ पर 50 का सी बताया वो बिल्कुल सही है, सऊदी अरब। निम्न में से कौन सा देश G20 की मेज़बानी करने वाला अरब जगत का पहला देश बन गया है? तो सऊदी अरब, यहाँ पर आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्रीति जी। यहाँ पर सुशांत, नवीन, रिस, वारिस। तो फ्रेंड्स आज के 50-50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। विकास जी कोई बात नहीं, आगे से आपका क्वेश्चन राइट होगा। तो प्रवेश, प्रियंका, अंजलि, कंचन, बगरिया, ठाकुर, प्रमोद, जाकिर, अजय, आरएस, अनु। तो फ्रेंड्स सभी का यहाँ पर ज़्यादातर राइट आंसर है। प्रिंस जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। सौरभ, यहाँ पर सभी का ज़्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक्स यादव जी, आपको भी थैंक्स, सभी को थैंक्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छी दानिश, थैंक यू जी आप सभी को। कल होगी नेक्स्ट वीडियो, कल आने वाली है। और हो सकता है कल मॉर्निंग में भी आपको एक करंट अफेयर की बहुत ही अच्छी प्रश्नों के साथ एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स मैथ की क्लास भी होगी यादव जी, बिल्कुल मैथ की क्लास भी होगी। बहुत ही जल्द आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी स्टेनवो, बिल्कुल थैंक यू आपको भी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, विदाई का समय हो चुका है आप सभी से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट सभी को, ऑल ऑफ यू। नरेंद्र जी थैंक्स आपको भी। तो चलिए फ्रेंड्स गुड लक, जय हिंद, जय भारत।